Himanta Biswa Sarma has said a case has been registered against Congress leaders Rahul Gandhi, K.C. Venugopal, Kanhaiya Kumar and others for quote-unquote violence, provocation and assault during the Bharat Jodo Nyaya Yatra. Earlier, clash had erupted between police and Congress workers as Rahul's Bharat Jodo Yatra continued in Assam's Guwahati. This comes as the state government and the Congress locked horns over the rally in Assam, with the Grand Old Party alleging that the march was attacked by BJP goons. Kanika Katyar joins us with the very latest on this story. Kanika, action being taken against Rahul Gandhi and others by the Assam government. Give us more details. भाजड़ो न्याय यात्रा असम से गुजर रही थी और गुवाहाटी की ओर प्रवेश कर रही थी। उस दौरान जो है वहां पर प्रशासन के साथ तमाम जो कार्यकर्ता और नेता है उनकी झड़प हुई कल, और उस दौरान जो है वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं असम गवर्नमेंट ने राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कोशिश भी की। कल देर रात असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि राहुल गांधी, कांग्रेस संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल और कन्हैया कुमार, इन तीनों ही लीडर के ऊपर जो है FIR जो है दर्ज दी गई है। और FIR में केवल एक दो नहीं बल्कि 10 ऐसे धाराएं जो है वो लगाई गई हैं, और उसके अलावा भी लगातार जो है जुबानी जंग, चाहे वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस के तमाम नेता हो, उनके बीच में और हेमंत बिश्व शर्मा के बीच में लगातार जारी है। FIR दर्ज हो चुकी है और उसको लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गृह मंत्री अमित शाह को सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ी जो है परेशानी जो है वो देखने को मिली है। स्पेशली सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो असम में देखने को मिला है, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह को मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेटर भी लिखा है। इसके अलावा लगातार देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी की जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, और खास तौर पे असम में एक पॉलिटिकली मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन भी है और कहीं ना कहीं यात्रा के जरिए जो है कांग्रेस पार्टी लगातार BJP हो या हेमंत बिश्व शर्मा हो, उन तमाम नेताओं को लगातार घेरने की कोशिश भी कर रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.